तो गाइस आप सबका फिर से स्वागत है टेक्टो की आरबी का बिल्कुल कमाल नई फ्रेश बेहतरीन वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस जो हमारी पहली अपडेट है वो अपडेट से रिलेटेड है, समझ रहे हो, अपडेट के अंदर अपडेट। तो गाइस बात करें अपडेट की तो वो निकल के आ रही है वन प्लस की तरफ से। वन प्लस का जो नया फोन नोट सीरीज के उसके अंदर जो नोट 100 है उसकी जो अपडेट देखने को मिल रही है हमको, जो कि है 10.5.1। हाँ, और उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा बेटर कैमरा एंड बेटर व्यू। तो गाइस आप एक बात बताओ मेरे को कि आपको किस तरह का कैमरा पसंद है, नॉर्मल या ऑटो ब्यूटी वाला, जिनके अंदर ब्यूटी प्लस होती है, मतलब कि समझ रहे हो ना कि हो आप कुछ बना दे कुछ और जब बाद में रियल में देखे कोई तो लिख ले कुछ जिंदगी खराब। तो गाइस बात करें अगली अपडेट की, वो आपको देखने को मिलेगी सैमसंग की तरफ से। सैमसंग की तरफ से एक फोटो लीक हुई है जो कि उसके M12 और F12 जो फोन आने वाले हैं उसके बैक पैनल की है, समझो बैक कवर की नहीं बैक पैनल की है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे 4 छेद और नहीं 5, एक फ्लैश का भी है और 4 कैमरे के देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर। और वहीं बात करें आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर 64 मेगापिक्सल का कैमरा, वो मैं बोल रहा हूँ, ये लीक में नहीं दिखा, वो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 64 मेगापिक्सल का कैमरा किस तरह बट रहा है, हलवे की तरह बट रहा है। हाँ, तो इसमें भी मिलेगा अगर आप हैवी गेमिंग करते हो जैसे कि एस फोल्ट और तो भी आपके 12 घंटे तक आराम से निकाल देगा गेमिंग के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा मानता हूँ मैं, हाथ थक जाएंगे, ये नहीं थकेगा। तो गाइस बात करें अगली अपडेट की, वो देखने को मिली हमें ZTE की तरफ से, जिसने एक नया फोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम रखा है इसने Blade 20, जो कि आपको 5G देखने को मिलेगा। तो गाइस बात करें इसके प्रोसेसर की तो आपको देखने को मिलेगा MediaTek से आने वाला Dimensity 720 SoC। अब वही बात करें इसके अंदर कितनी GB की रैम मिलेगी, आपको पता है 6 GB की रैम देखने को मिलेगी। अब वही बात करें स्टोरेज की तो आपको देखने को मिलेगी 128 GB की, ठीक है। तो गाइस इसके फोन के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करूंगा, फोन से नहीं ब्रांड से रिलेटेड है, इसके आपको सर्विस सेंटर नहीं देखने को मिलेंगे और ना ही रीसेल वैल्यू देखने को मिलेगी। अगर आप सोचते हैं कि इसको मैं कुछ साल तक, मतलब कुछ साल क्या, 1 या 2 साल तक यूज़ करता हूँ उसके बाद बेचता हूँ, तो आपको शायद ऐसे बायर देखने को मिले ही ना जो इसे लेना चाहे, चाहे कुछ कम पैसों में ही। तो कई जो अगली अपडेट देखने को मिली हमें सैमसंग की तरफ से देखने को मिली है, सैमसंग की तरफ से जो नई न्यूज़ निकल के आ रही है वो थोड़ी सी चाइना सेंट्रिक देखने को मिल रही है, थोड़ी क्या बहुत सारी है, ये बिक गई है गवर्नमेंट। सैमसंग की चिप्स से रिलेटेड देखने को मिल रही है, ये वाली चिप्स नहीं, ये वाली चिप्स से देखने को मिल रही है। एक्सिनोस की जो प्रोसेसर है वो आप अब देख पाओगे शाओमी ओप्पो और वीवो के फोन्स के अंदर भी 2021 से बाद में, क्योंकि सैमसंग और इन चाइनीज कुछ कंपनियों के साथ टाई अप किया है और ये जो प्रोसेसर्स होते हैं सैमसंग की तरफ से बने हुए उनको अपने फोन्स में यूज करना चाहती हैं। तो ये डील हो चुकी, 2021 से आप सैमसंग के चिप्स को देख पाओगे MI के, मतलब कि चाइना के फोनों के अंदर। तो गाइस जो अगली अपडेट है ना वो कुछ इस तरह की देखने को मिल रही है आपको कि आप किसी से मिलने जा रहे हो और उसने मना कर दिया तो आपने उनके ऊपर पेनल्टी लगा दी $1 million की, जैसे कि इनके ऊपर लगी है फेसबुक यूट्यूब और टिकटॉक, इनके ऊपर पेनल्टी लगा दी है तुर्की की सरकार ने रिप्रेजेंटेटिव से ना मिलने के वजह से, जो कि लगभग लगभग देखने को मिलेगी आपको 22 करोड़ रुपए के आसपास की, जो कि मैं मानता हूँ कि बहुत अजीब सही है भाई। तो गाइस आगे से किसी से मिलने से मना मत करना। तो गाइस बात करें अगली अपडेट की, वो देखने को मिलती है हमको लॉजीटेक की तरफ से। लॉजीटेक ने एक नया कीबोर्ड लॉन्च कर दिया जिसका नाम रखा है MX कीज, और वही बात करें इसकी तो आपको देखने को मिलेगी 10 दिन की बैटरी लाइफ। इसके अंदर आप सेल नहीं डालोगे, इसके अंदर इन बिल्ड बैटरी है उसको चार्ज करोगे और 10 दिन तक चलाओगे। ये फीचर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा क्योंकि जो वायरलेस कीबोर्ड जैसे कि मेरे पास है डेल का है उसके अंदर आपको AAA की 2 बैटरी सेल्स लगानी होती है, सो उसके हिसाब से तो मेरे को बेटर लगा। बट इसके अंदर आपको प्राइसिंग देखने को मिलेगी आपको लगभग लगभग 12,995 की, या 95 मुझे पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, सो दैट्स व्हाई। सो आपको लेना है मैकेनिकल कीबोर्ड, वायरलेस और गेमिंग भी कर सकते हो उससे आराम से। तो गाइस जो अगली अपडेट देखने को मिल रही है हमको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से देखने को मिल रही है, जिसमें जो विंडोज है उसके अंदर एक नया फीचर ऐड कर दिया जो कि है न्यू टास्क काउंट फीचर, जिससे आप ऐसे कर सकते हो आप जो करना चाहते हो उनको लिस्ट बना सकते हो और जो आपके टास्क होते चले जाएंगे वो अपने आप टिक होकर हटते चले जाएंगे और आपको पता चलता रहेगा कि कितना काम रह रहा है अभी। सही है,
तो गाइज अगली अपडेट देखने को मिल रही है, हमको देखने को मिलती है एयरटेल की तरफ से। एयरटेल बांट रहा है फ्री में सब्सक्रिप्शन यूट्यूब प्राइम का, एक्चुअल में बांट रहा है इस बार। इस बार कोई मजाक नहीं है, इस बार सच में जो आप 129 से ऊपर ऊपर का कोई भी रिचार्ज कराते हैं तो आपको फ्री में यूट्यूब के जो प्राइम सब्सक्रिप्शन होता है, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होता है ना यूट्यूब के अंदर, की एड्स नहीं आते और वो सब चीज़ें, तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप कर सकते हैं अगर आपके पास एयरटेल है तो। सो गाइस बात करें अगली अपडेट की, तो आपको देखने को मिली सैमसंग की तरफ से, सैमसंग की तरफ से सो कॉल्ड लीक देखने को मिली है फिर से, जो कि आपको देखने को मिलेगी सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 2 की तरफ से, जिसमें आपको स्पोर्ट बॉय की आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर। बट बात करें इसकी लॉन्च डेट की, तो वो आपको डिले हो गई है, जो आपको देखने को मिलेगी अब समर 2021 के अंदर, मत के अगले साल के 2020 नहीं खेल पाओगे आप इसके साथ अब। सो अगले साल तक का इंतजार कीजिए आपको ये चलाना है तो। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सी अपडेट सबसे बेहतरीन देखने को मिली, और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें ऐसी बहुत सारी बेहतरीन बेहतरीन वीडियो देखने के लिए, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसी बेहतरीन बेहतरीन वीडियो लेके आता रहता हूँ। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए मैं जा रहा हूँ सांस लेने, बाय बाय।